दोस्तों पहले आपकी आवाज बहुत भारी हुआ करती थी, मतलब नमस्कार, मतलब इतनी खतरनाक आवाज होती थी कि सामने वाला व्यक्ति दूर से समझ जाता था कि आप आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय से आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई, मतलब आपको ऐसा मन नहीं करता कि यार बहुत खुल के बोला जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका लंग्स है ना वीक हो गए हैं, आपके जो फेफड़े हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जिनकी आवाज पहले भारी हुआ करती थी और अब थोड़ी डाउन हो गई है, तो समझ लीजिए उनको फेफड़ों की दिक्कत चालू हो गई है। फेफड़े पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, उनकी जो कार्य क्षमता है कमजोर हो गई है ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन छोड़ने की, तभी तो उनकी आवाज कमजोर हो गई। उनका मन नहीं करता आवाज निकालने का ज्यादा तेज से, वो चुपचाप रहते, ज्यादा किसी से बोलते नहीं। दोस्तों ये क्यों हो जाता है, मतलब हमारे फेफड़े कमजोर क्यों हो जाते हैं? दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। आप दोस्तों बाहर निकल के देखिए, जो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है ना, अगर मैं इसको पहन के आधा घंटा बाहर चला गया और राउंड मार के आया आधा घंटा, तो काली पड़ जाएगी, 110% काली पड़ जाएगी। अब सोचिए उस आधे घंटे में जो मैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ वो हमारे लंग्स पे जा रही है, तो वो कितना इफेक्ट डाल रही होगी, मतलब हमारे लंग्स पे टार जम रहा है। और आप सब जानते हैं कि लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर को चला रहा है, और जब उसमें टार आ जाएगी तो प्रॉपर कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? गुब्बारे की तरह दोस्तों उसका काम है ऑक्सीजन लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और जब उसमें टार आ जाएगी तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और आजकल तो क्या है, सिगरेट। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट का एक फैशन सा हो गया है, हर व्यक्ति को देखो हाथ के अंदर सिगरेट होती है। टशन, मतलब सामने वाले व्यक्ति को दिखाना, हाँ यार हम सिगरेट पीते हैं, भाई कुछ नहीं है। वो आपने देखा ना अक्षय कुमार वाली एड, कुछ नहीं पड़ा, पैसे की बर्बादी है, शरीर की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, टशन वगैरह सब बेकार है। क्यों दोस्तों, किसी को क्यों दिखाएं, हमारा शरीर खराब करने के लिए? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा पॉइंट लेके आऊं जिसको आपने डेली 2 से 3 मिनट दबाना चालू कर दिया ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो फेफड़ों में कमजोर हो गई है, इनका कैपेसिटी कमजोर पड़ गई है, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, ठीक हो जाएगी, मतलब आपके कमजोर फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएंगे, छोड़ पाएंगे, और वो ही आवाज कड़क वाली आपकी वापस आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इतना जबरदस्त पॉइंट है, आप दबा के देखिएगा, मैग्नेट्स लगा के देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कितना आपको आराम मिला। खैर बात करें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर दबाना है और मैग्नेट लगानी। दोस्तों वो पॉइंट देखिए, इस वाली फिंगर में फर्स्ट जॉइंट, जॉइंट से हल्का सा नीचे, मतलब जॉइंट पे ही समझ सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट का नाम है L U 9, इधर भी है और इधर भी, इतने जबरदस्त पॉइंट है ना, आपको जिम्मी की मदद से इस तरीके से दबाना, 2 से 3 मिनट इधर दबाना है, 2 से 3 मिनट इस वाले फिंगर में दबाना, 3 सेट कीजिए, 4 सेट कीजिए, जब भी फ्री बैठे दबाते रहिए। जिम्मी अवेलेबल नहीं है, पेन की मदद से दबाइए, ये भी अवेलेबल नहीं है तो अंगूठा है ना, इससे इस तरीके से दबाते रहिए। जितना ज़्यादा आप दबाएंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटी आपकी लंग्स की बढ़ने लग जाएगी, और अगर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी तो आपके अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन अधिक आएगी, ऑक्सीजन अच्छी आएगी तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छा काम करेंगे। खैर अब बात करेंगे मैग्नेट थेरेपी की, मैग्नेट थेरेपी में ऐसी कौन सी मैग्नेट है जिसको लगाकर हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए ब्यूरो मैग्नेट, एक तरफ से येलो और एक तरफ से दोस्तों ये होती है वाइट, और लेंगे दोस्तों सेम पेपर टेप। अब बात करेंगे मैग्नेट कौन सा ऐसा स्किन को टच करेगा, कौन सा ऐसा हमें बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन पे जो टच करेगा इसका येलो वाला कलर, बाहर से हमें ये वाइट दिखेगा।
तो ये जो पॉइंट मैंने दिखाया आपको LU9, इसके ऊपर सिंपल आप इस तरीके से लगा दीजिए, दोनों फिंगर में लगाना। कोशिश करें रात को लगा के सोएं, रात को क्या होता है हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और पॉइंट जल्दी एक्टिवेट होते हैं। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नए वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक पे। नमस्कार।